वर्क पर एनर्जी की नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें ये गिवन होगा कि सपोज ये एक लिक्विड है या सपोज ये वाटर है, आप पूल के अंदर गए, पानी के अंदर आपने एक बॉल को लिया और एक बॉल को आप h डिस्टेंस नीचे ले गए, यहाँ पे आपने बॉल को पकड़ा हुआ है, जो बॉल है उसकी डेंसिटी रो है, बॉल की डेंसिटी रो है, साथ साथ लिखते जाएं, वाटर की डेंसिटी 3 रो है, बॉल की डेंसिटी रो है, वाटर की डेंसिटी 3 रो है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने शायद कभी सुना हो, जिसमें यह बताया जाता है कि कोई बॉडी डूबती क्यों है। बॉडी इसलिए डूबती है क्योंकि बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होती है तो वो डूब जाएगी। लिक्विड की डेंसिटी अगर बॉडी की डेंसिटी से बड़ी होगी तो वो उसको ऊपर फेंकेगी। सुना हुआ है आपने, आप जब लिक्विड में जाएं या किसी भी स्विमिंग पूल के अंदर जाएं, आप खुद फील करेंगे कि लिक्विड आपको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। और आप उसी स्विमिंग पूल के अंदर एक बॉल को जब नीचे लेके जाते हैं और छोड़ते हैं, वो प्लास्टिक की बॉल क्या होती है, हवा में एकदम उछल आती है। क्वेश्चन यही है कि आप पानी के नीचे उसको एच डिस्टेंस नीचे ले गए तो लिक्विड ने इसे उठा के ऊपर फेंक दिया, तो बताओ कितना हाइट अटेन करेगी कैपिटल एच, आपको क्वेश्चन में निकालना है। ये क्वेश्चन है, मैं सिर्फ यहाँ तक लेके गया हूँ और छोड़ रहा हूँ, अपने आप पानी इसको ऊपर उछालेगा और ये हवा में कैपिटल एच हाइट ऊपर आ जाएगी। आपको कैपिटल एच की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन है? अब पॉइंट नंबर 1, कितने लोग ये एग्री करते हैं कि मैं यहाँ से यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक सेम लगा सकता हूँ? और कितने लोग ये कहते हैं कि नहीं लगेगी, नहीं यहाँ नहीं लग सकती, नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? पानी की रेजिस्टेंस होगी, पानी की रेजिस्टेंस नॉन, जहाँ रेजिस्टेंस है वहाँ नॉन कंजर्वेटिव है, एनर्जी कंजर्वेशन ही लगेगी। देखो आप कहाँ लगाते हो एनर्जी कंजर्वेशन, जब सब कुछ अंडर ग्रेविटी हो रहा है, अंडर ग्रेविटी हो रहा है, कोई और फोर्स नहीं लगा रहा, यहाँ पानी भी फोर्स लगा रही है, ग्रेविटी भी फोर्स लगा रही है। ग्रेविटी में ग्रेविटी सिर्फ स्मॉल जी तो काम कर ही रही है, पर लिक्विड का मीडियम चेंज हो गया जिस वजह से कहीं ना कहीं और फोर्सेस भी एक्ट कर रही हैं जो कि नॉन कंजर्वेटिव है, जिस वजह से आप यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा नहीं पाएंगे। अगर लगाना होता मैं सीधा बोल देता, यहाँ और यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें। हाँ, अगर आप यहाँ और यहाँ लगाना चाहें लगा सकते हैं, ये हवा आ चुकी है, ग्रेविटी का इफेक्ट आ चुका है, पानी ख़त्म हो गया, आप लगा सकते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक? तो अगर मैं यहाँ से यहाँ आने की वेलोसिटी बता दूँ आपको भी, ये बॉल जब बाहर निकलेगी फिर आप एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं और फिर आप यहाँ पर मोशन का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2 × − g × h। तो इसका मतलब मुझे क्या ढूंढना होगा, वी। अगर मैं वी ढूंढ दूँ कैपिटल एच की वैल्यू आ जाएगी। कोई मुझे बताएगा इसमें V कैसे आएगा, कैसे? पहले वेट निकालें, पॉइंट फोर्स आ जाएगी, सही पॉइंट बोली वो ठीक बोल रही है। वो कह रही है कि इस तरीके से जब ये बॉडी मोशन में होगी, तो जब ये बॉडी मोशन में होगी तो नीचे की तरफ कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, बोलो? बॉडी का वेट। बॉडी का वेट क्या होता है, mg। तो ये मैंने लिख लिया बॉडी का वेट mg। mg में m का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g। मान लेते हैं बॉडी का वॉल्यूम v है, बॉडी की डेंसिटी रो गिवन है इनटू g, तो बनाएं बॉडी का वेट इज mg। ये पहली फोर्स है, तो फोर्स की वैल्यू क्या है, mg। mg का मतलब बॉडी का वेट, दैट इज v इंटू डेंसिटी इंटू g, सही है? बॉडी का वेट क्लियर है, mg। m का मतलब मास, मास का मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि वेट किसका निकल रहा है, बॉडी का,
तो डेंसिटी भी किसकी? बॉडी की। तो यहाँ पर थ्री रो यूज़ नहीं पुट करना, यहाँ पर रो यूज़ करना, क्योंकि किसका वेट है? बॉडी का वेट है, तो डेंसिटी भी किसकी? बॉडी की। सही है यहाँ तक? अब ये बताओ, लिक्विड भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, क्योंकि आप जब पानी में जाते हैं तो पानी आपके ऊपर फोर्स लगाता है। वो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर होती है? ऊपर। ऊपर की फोर्स, पानी की फोर्स इज ऊपर की फोर्स, जिसका क्या नाम दिया गया? ऊपर मतलब क्या होता है? अप। फोर्स मतलब थ्रस्ट, अप थ्रस्ट। सही है? तो पानी की फोर्स इज ऊपर की फोर्स, अप थ्रस्ट। तो यहां पर अप थ्रस्ट लगेगा। अप थ्रस्ट का मतलब याद रखना, ऊपर की फोर्स, अप थ्रस्ट जो लिक्विड लगाएगा, अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट की वैल्यू कैसे निकलती है, ये मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं। लेकिन ऐसा क्यों होता है ये शॉर्टकट, ये आपको आर्किमिडीज का चैप्टर आएगा उसमें पता लगेगा। अभी शॉर्टकट बताता हूं अप थ्रस्ट की वैल्यू कैसे निकलती है, या पानी जो हमें फोर्स लगा रहा है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। पानी की फोर्स कहां पे लगती है? जितना पोर्शन बॉडी का पानी में गया, पानी उतने वॉल्यूम के ऊपर फोर्स लगाएगा। ये रूल है। देखो ना, अगर कोई बॉडी तैर रही है, उसका बहुत सारा पोर्शन हवा में है, कुछ पोर्शन पानी में है, तो पानी हवा में उछल के थोड़ा फोर्स लगा रहा है, मतलब तो पानी के अंदर ही फोर्स लगा रहा है ना। तो जितना पोर्शन बॉडी का सबमर्ज्ड इन लिक्विड है, उस पर वो फोर्स लगेगी। अब यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि पूरी की पूरी बॉल ही सबमर्ज्ड है, तो यानी कि यहाँ पर जो वॉल्यूम जिसके ऊपर ये फोर्स लगेगी वो पूरा बॉल है, दैट इज वी। क्योंकि ये फोर्स कौन लगा रहा है? लिक्विड लगा रहा है। तो यहाँ पर डेंसिटी किसकी यूज करेंगे? लिक्विड की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अप थ्रस्ट में हमेशा डेंसिटी ऑफ लिक्विड यूज की जाती है, बॉडी का वेट में बॉडी की डेंसिटी यूज की जाती है, अप थ्रस्ट में लिक्विड की डेंसिटी यूज की जाती है। और ये बात बताने के लिए आपको वेट करनी पड़ेगी, जब मैं आपको सिखाऊंगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसमें इसका प्रूफ आएगा। अभी बस ये शॉर्टकट बता सकता हूं, जब भी आपको अप थ्रस्ट निकालना है उसमें बॉडी की डेंसिटी कभी नहीं पुट करनी, उसमें लिक्विड की डेंसिटी पुट करनी है, क्योंकि ये फोर्स कौन लगा रहा है? लिक्विड लगा रहा है। इसलिए तो लिक्विड की फोर्स बड़ी है, तभी तो आपको छोटी क्लास में याद करवा रखा हुआ है कि अगर ना पानी की डेंसिटी बड़ी हो जाए ना बॉडी से, तो बॉडी तैरेगी। अगर बॉडी की डेंसिटी बड़ी हो जाए, डूब जाएगी। पता है क्यों? देखो, फर्क तो सारा किसका आ रहा है? सिर्फ डेंसिटी का। अगर लिक्विड की डेंसिटी बड़ी है, बॉडी की छोटी है, तो ऊपर की फोर्स बड़ी है, बॉडी ऊपर जाएगी। और सोचो अगर ये 10 रो होता, फिर तो बॉडी ने डूबना ही था, क्योंकि वेट बड़ा है और ये छोटा हो जाता है। इसलिए आपको छोटी क्लास में टेक्निकल नहीं सिखाया जाता इतना, बस बता दिया जाता है कि डेंसिटी बड़ी है तो डूब जाएगी। पर समझ में आ रहा है क्यों? अब क्योंकि ऊपर की फोर्स बड़ी है, नीचे की छोटी है, तो इनसाइड अ लिक्विड, इस लिक्विड में एक्सेलरेशन क्या होगी? ऊपर की फोर्स v इंटू थ्री रो इंटू जी माइनस नीचे की फोर्स v इंटू रो इंटू जी डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉल। तो एक्सेलरेशन क्या होगी? बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू लिक्विड में क्या होगी? v इंटू थ्री रो इंटू जी माइनस वी इंटू रो इंटू जी अपॉन मास। मास का क्या है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास किसका? बॉल का। तो वॉल्यूम किसका? बॉल का। डेंसिटी किसकी? बॉल की, क्योंकि मास तो बॉल का है। तो यहां से वी 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 रो 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 कैंसल, एक्सेलरेशन की वैल्यू सॉल्व करके क्या आ गई? 2g। कोई डाउट इसमें? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 2g। तो जब ये बॉल लिक्विड के अंदर मूव कर रही होगी, इसकी एक्सेलेरेशन 2g है। तो लिक्विड के अंदर आप इक्वेशन लगाएं, वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज 2 इंटू ए इंटू एस। देख रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल कितनी है? वी। तो वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज 2g इंटू एच। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 4g h। सही है। अब वी स्क्वायर आ गया, आपको भी तो वी स्क्वायर चाहिए था। ये देखो, अब हवा में इक्वेशन लगेगी, आपको वी स्क्वायर चाहिए, तो जीरो स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की जगह कितना? 4g h इज माइनस 2g इंटू कैपिटल h। कैंसल 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 कैंसल, कैपिटल h की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ गई? 2h आंसर। तो हवा में बॉल 2h डिस्टेंस ऊपर जाएगी, ये आपका आंसर है।
मैंने आपको पहले भी बताया, वर्क पर का चैप्टर बाकी चैप्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। देख लो, फिर इसने आर्कमिडीज को खींच लिया, फिर कहते हैं चैप्टर मुश्किल लगता है। मुश्किल तो लगेगा ही, क्योंकि जब तक वो चैप्टर की नॉलेज नहीं होगी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे कई बार ऐसा हुआ और ऐसा होता भी जाता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में नहीं, 80-90% क्वेश्चन नॉर्मल है, 5-7% क्वेश्चन ऐसा हो जाता है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज की ऑब्जेक्टिव शीट्स ख़त्म करके, ये सारा काम ख़त्म करके नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है कोलिजन्स। और कोलिजन से पहले मैं आपको कुछ, आप वर्क पर एनर्जी को टेस्ट करना चाहें कि मेरे को कितना आया, तो मैंने वो क्वेश्चंस डाले हैं जो मैंने नहीं कर पाए। आज मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा, शायद मिल भी गई आपको करने के लिए, वो आपकी प्रैक्टिस शीट से आप अप्लाई करके देखना। जो 24A असाइनमेंट है, 24B असाइनमेंट है, 24C तीन असाइनमेंट्स हैं, 24C असाइनमेंट मेडिकल के लिए नहीं है, ना NCERT वाले करें ना मेडिकल के, ओनली नॉन मेडिकल के लिए आखिरी असाइनमेंट, ठीक। और करना चाहें तो करें, मनाही कोई नहीं है, मतलब मैंने ये नहीं कहा कि मत करें, पर फिर घबराए ना कि बीच में ऐसे 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ गए, ठीक। तो बाकी 24 ABC सबने करनी है। सी असाइनमेंट अगर मेडिकल को मुश्किल लगती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो नॉन मेडिकल के हिसाब से बनी हुई है, बाकी तो सारी बेसिक है ही है। तो जस्ट अपने आपकी नॉलेज को आप एक बार कोशिश करें, ट्राई मारें, और जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन चेन का क्वेश्चन है फिर से, हालांकि मैंने बताया चेन की प्रॉब्लम के लिए आप ऑनलाइन जाके उस लेक्चर को ज़रूर नोट करें अपनी कॉपी में, बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो चेन की प्रॉब्लम एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। एक ना चेन यहाँ पे टेबल पे पड़ी हुई है, टेबल थोड़ा बड़ा कर लूँ, ये चेन पड़ी हुई है और कुछ ऐसे ये रही चेन लटकी हुई है। अब जब मैं ये बोलता हूँ कि चेन यहाँ पर लटकी हुई है, तो इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसलिए लटकी हुई है क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट है, फ्रिक्शन। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता था कि चेन हवा में ऐसी पड़ी रहे या टेबल पे पड़ी रहे, क्यों, फ्रिक्शन नहीं है ना, तो रोकेगा कौन, चेन को गिरना ही गिरना है। अभी मेरे को क्या करना है, चेन को रोक के रखना है, पड़ी हुई है ऐसी पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज करो चेन को नीचे लटकाया मैंने, थोड़ा नीचे और थोड़ा और थोड़ा और, कितना लटका दिया, इतना लटका दिया कि टेबल के ऊपर लेंथ की वैल्यू 2L/3 पोर्शन टेबल के ऊपर है। क्वेश्चन में गिवन है, लिख लें मास ऑफ चेन इज कैपिटल M एंड लेंथ ऑफ चेन गिवन है इज L, ये गिवन है, ठीक। अब देखो मैंने इसको इतना नीचे कर दिया कि चेन नीचे गिरनी स्टार्ट हो गई, इतना कर दिया 2L/3 पे से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाना है कि इसका वेट सफिशियंट है कि पूरी चेन को खींच लेगा। अब फ्रिक्शन पूरा जोर लगा रही है चेन नीचे ना गिरे, उसको रोकने की कोशिश कर रही है। आपको यह बताना है व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इस चेन को रोकने के लिए फ्रिक्शन कितना काम कर रही है, यह बताओ, सही है। तो इस चेन को रोकने के लिए फ्रिक्शन कितना काम कर रही है, ये बताओ, जब ये चेन नीचे गिरेगी, ये क्वेश्चन है, ठीक। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया उसमें चार ऑप्शन होंगे, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को तो देखना भी मत, क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, ये मैं पहले बता दूं। तो दो तो ऑप्शन एलिमिनेट सीधा होते हैं। अब लॉजिक क्या लगेगा इसमें, कितने लोग, अच्छा इसमें कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, म्यू प्लीज लिख लो, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है म्यू, ओके एक सेकेंड, वर्क डन बाय क्या निकालना है, फ्रिक्शन, ओके वर्क डन बाय फ्रिक्शन, लिखना मत इसे, लिखना नहीं अभी, सिर्फ बताना है। मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा, बात समझ में आती है, मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा, क्लियर है, ठीक है। कितने लोग एग्री करते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिस्टेंस 2L/3 से मल्टीप्लाई कर दें, किसका मन ये कहता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को 2L/3 से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, एक बार तो कह ही देता है। देखो मैंने भी जानबूझ के ये लिखा, नहीं कह रहा, नहीं नहीं नहीं
कितने लोगों को बिल्कुल श्योर है पक्का गलत है, श्योर है? कितनों को लग रहा है कि पता नहीं, नहीं पता लग रहा? अच्छा ठीक है। अच्छा अगर एक बात बताओ, नो सेंटर ऑफ मास, देखो चेन सुनते ही सेंटर ऑफ मास लगेगा कि नहीं लगेगा ये जरूरी नहीं है कि लगेगा। आप बस मुझे एक लॉजिक बताओ, चलो चेन ने नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया, कर दिया, फ्रिक्शन तो जोर लगा रही है, वर्कडन कर रही है, जब तक चेन नीचे नहीं गिरेगी फ्रिक्शन काम करेगी। जब चेन नीचे गिरेगी इसका नॉर्मल रिएक्शन कम होता जाएगा, इसका वेट कम हो रहा है और कम और कम और कम, नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो रहा है। जब नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब चेंज हो रही है इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक वेरिएबल फोर्स है, तो बिना इंटीग्रेशन के आंसर आ ही नहीं सकता, बात ही खत्म। तो ये तो पक्का गलत हो गया, अब दिख रहा है गलत है, गलत है, सही बोल रहा हूँ, अब तो पक्का गलत है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो रही है, हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, सही है। चलो फिर ऐसा कर लेते हैं, जब वेरिएबल फोर्स है तो मेरे को स्मॉल वर्क डन पहले निकालना पड़ेगा, टोटल तो निकलेगा भी नहीं। चलो पहले एक काम करते हैं, हम इसमें स्मॉल वर्क डन की वैल्यू निकालते हैं क्या होगी, फिर आगे चलते हैं। अब स्मॉल वर्क डन किस पे निकले, स्मॉल वर्क डन चेन के एक एलिमेंट पे निकालना पड़ेगा। तो इमेजिन करो ये एक छोटा सा एलिमेंट इमेजिन कर लो, चेन का टुकड़ा जो आपने इसमें कंसिडर कर लिया, ये चेन के एलिमेंट की लंबाई या लेंथ कितनी है डी एक्स नोट करो, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा। स्मॉल एलिमेंट लिया मैंने, ऐसा क्यों लिया, क्योंकि मैं क्या निकालने वाला हूं, पहले स्मॉल वर्क डन निकालने वाला हूं। और स्मॉल वर्क डन कैसे निकलेगा, स्मॉल वर्क डन इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू क्या, एफ इंटू क्या, डीएक्स। डीएक्स कितने लोग एग्री करते हैं, डीएक्स, डीएक्स नहीं, ना देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या पुट करना है। अब मास तो ही एफ इंटू डिस्टेंस ही होगा ना, नहीं होगा। आप मुझे एक चीज बताएं, सिर्फ जब आप एक एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट देखो याद ना करें कुछ भी कि डी एक्स है, एक्स के डी एक्स कर दो, टी की जगह डी टी कर दो, फिर आंसर नहीं आएगा। आप उस चेन को भूल जाएं, आप सिर्फ इसको देखें, एक पॉइंट है, ये पॉइंट घिसटता हुआ यहां से यहां आएगा, तब तक फ्रिक्शन इसके ऊपर क्या करेगी, वर्क डन करेगी, तब तक करेगी। तो यानी कि यहां से यहां का डिस्टेंस इमेजिन कर लें कितना, एक्स, और इस डीएक्स का स्मॉल मास कितना है, डीएम। इस डीएम मास ने घिसटता हुआ आना है कितना डिस्टेंस, एक्स, तब तक फ्रिक्शन काम करने वाली है। तो एफ इंटू यहां पर क्या आएगा, सिर्फ एक्स, एफ इंटू एक्स। लेकिन कई लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने कहा वो क्यों, वो कहता सर मैंने अपनी कॉपी चेक की थी, आपने ना एक फॉर्मूला लिखवाया था वेरिएबल फोर्स का, मैंने कहा क्या, कहता इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी एक्स मैंने लिखवाया था, लेकिन आज आप एफ टी एक्स नहीं लिख रहे, आज आप एफ इंटू एक्स लिख रहे हो, ये गलत बात हो गई। मैंने कहा देख, वो लॉजिक ये नहीं था कि डी एक्स एलिमेंट का इस तरीके से काम करना है, मैं इसका आंसर दे सकता हूं कि मैंने एक्स क्यों लिखा। मैंने इसमें x इसलिए लिखा क्योंकि मेरे इस dm एलिमेंट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है x, तो फिर वो बोला dx कहां गया, क्योंकि dx का तो होना जरूरी है, तभी तो इंटीग्रेशन होगी। तो मैंने कहा देख ये dm की वैल्यू कैसे निकलेगी, बोलो dm की वैल्यू बोलो क्या होगी, dm कैसे निकलता है, m बाय l इंटू डी। कितने लोगों को ओरली लिखना आ गया, ये बहुत कम। मैंने कैसे सिखाया था, सिखाया ना अगर लेंथ l है पूरी चेन की तो मास एम है, वन है तो एम बाय एल है, और अगर डी एक्स है तो एम बाय एल इंटू डी एक्स है, आ गया याद, ऐसे किया था। और मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था, मास पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या जाएगा, स्मॉल मास आ जाएगा। अब एक काम करो, यहां पे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या, माइनस म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन इंटू एक्स, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस म्यू टाइम। अब इस एलिमेंट का नॉर्मल रिएक्शन क्या है, इसका वेट जो कि कितना है,
एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू कितना जी, ऐसे करेंगे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, डी एम इंटू जी, सही है। अब देखो अंदर से आपको डी एक्स चमकता हुआ दिख रहा है, बीच में से आया, अगर तुम यहां भी डी एक्स पुट कर देते डी एक्स का स्क्वायर आ जाता, फिर तुम कहते कैलकुलस नहीं आ रहा मुझे, ऐसा होता ही नहीं क्योंकि डी एक्स तो एक ही होगा, दो कैसे होंगे। तो समझ में आ रहा है, डी एक्स एलिमेंट ने एक्स डिस्टेंस कवर किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल है, वो अपने आप डी एक्स ले आएगी। तो यहां से डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस म्यू एम बाई जी एल एक्स डी एक्स। और अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। एक और चीज समझो, इस एलिमेंट को एक्स डिस्टेंस तक ट्रेवल करना है, इसका वर्क डन डी डब्ल्यू होगा, लेकिन जो एलिमेंट यहां पे होगा उसको कम दूरी कवर करनी है, उसका वर्क डन कम होगा, लेकिन जो यहां पे होगा उसको बहुत घिसटते हुए जाना है, उसका वर्क डन और ज्यादा होगा। हर चेन के एलिमेंट का वर्क डन वेरी कर रहा है, और कैसे वेरी कर रहा है, बाय डिस्टेंस एक्स वेरी कर रहा है। और चेंज क्या हो रहा है इसमें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो रही है, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कहीं ना कहीं जो है नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंडेंट है, जिससे वो चेंज होती जा रही है। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब ये बताओ, जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं इंटीग्रेशन कहां से कहां करूंगा? मैं पहले एलिमेंट यहां लूंगा, फर्स्ट एलिमेंट, फिर इसका वर्क डन निकलेगा, फिर दूसरा यहां लूंगा, तीसरा यहां लूंगा, चौथा, पांचवा, छह, सात, ऐसे आखिरी यहां लूंगा। जब मैं पहले एलिमेंट यहां लूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, वो तो बिल्कुल कॉर्नर पे ही है, तो उसकी दूरी कॉर्नर से क्या है, जीरो, तो लिमिट एक्स की क्या पुट करेंगे, जीरो। और मैं आखिरी एलिमेंट कहां लूंगा, यहां लूंगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2l बाई थ्री, जीरो से लेकर 2l बाई थ्री के वर्कडन निकालने, तो लिमिट पुट करते हैं 2l बाई थ्री, ये लो, इसे इंटीग्रेट करते माइनस म्यू एम जी एल एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो से 2l बाई थ्री माइनस म्यू एम जी बाय एल इंटू टू भी कर लेते हैं, और यहां पर आएगा 2l बाई थ्री का होल स्क्वायर लिमिट पुट करके। तो यहां से अगर आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस म्यू एम जी बाई 2l इंटू 4l स्क्वायर बाय 9, 2 से 4 कट जाएगा और आंसर आएगा माइनस 2 बाय 9 म्यू एम जी एल, बस ये आएगा ना आंसर है। ऐसा ऑब्जेक्टिव आपको असाइनमेंट्स में भी या बुक्स में मिलेगा, कैसे सॉल्व करना समझ में आ रहा है। दो टाइप की प्रॉब्लम हो गई, अगर तो चेन को ऊपर रखना है फिर तो सेंटर ऑफ मास से कहानी खत्म, वो सबसे आसान है। अगर घिसटती हुई चेन नीचे जा रही है और वर्क डन निकालने हैं तो सोच लेना बिना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। अगर चेन स्लाइड करती हुई नीचे जा रही है ना तो बिना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें वेरिएबल होगी और वेरिएबल फोर्स को सॉल्व करने के लिए वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन ही यूज करनी पड़ेगी। तो समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसका, ठीक। बाकी और चेन पे अगर आपने इससे भी बढ़िया और क्वेश्चन देखने हैं तो जाके ऑप्शनल वीडियो सुन लेना और रजिस्टर ओपन कर लेना और बनाते रहना, चेन ही चेन कर रखी है, उसमें 1.5 घंटा चेन के ऊपर लेक्चर है, कम से कम ऐसे 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और आपकी एचसी तो सारी है उसमें कर रखी है मैंने, उससे भी ऊपर कर रखी है, एचसी के अंदर 2-4 क्वेश्चन हैं थोड़े, वो मैंने सारे कर रखे हैं, फिर वो बुक करना, राइट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो आइडिया क्लियर है कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। क्योंकि ये विड्थ लेंथ डी एक्स है, एम बाई एल इंटू डी एक्स का मास है, एक्स का मास नहीं है, वो तो वेरिएबल फिर चेंज हो गया ना, छोटे एलिमेंट का मास निकलेगा। तो समझ में आ रहा है यहां तक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर u की वैल्यू लिखो, इफ u इज इक्वल टू a अपॉन x रेज टू पावर 12 माइनस b अपॉन x रेज टू पावर 6, फाइंड x व्हेन सिस्टम
इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. आपको एक्स निकालना है अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है. मुझे पहला स्टेप बताओ इसमें क्या होगा. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू जीरो. फोर्स कहाँ से आएगी? एनर्जी गिवन है. हाँ तो क्या फॉर्मूला लगेगा? पहला एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स. इसको डिफ्रेंशिएट करो, इक्वल टू जीरो पुट करो. और जीरो पुट क्यों करो? क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए एफ शुड बी इक्वल टू जीरो. आंसर निकालो एक्स का क्या आएगा. ठीक है, तो f मस्ट बी इक्वल टू माइनस ए कॉन्स्टेंट है d बाय डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर माइनस 12. ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस b d बाय डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर माइनस 6. ठीक है, यहाँ तक तो इसे डिफरेंशिएट करो. यहाँ से और इक्वल टू क्या कर दें? जीरो. इक्विलिब्रियम का मतलब ये टर्म क्या है? जीरो. तो जीरो इज इक्वल टू माइनस ए. तो पावर नीचे आ गई माइनस 12. एक्स की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 13. एक पावर कम. b इंटू माइनस 6 एक्स रेज टू पावर कितना? माइनस 7. सही है. फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया. 0 इज इक्वल टू 12a एक्स रेज टू पावर माइनस 13. और यहाँ पर माइनस 6b एक्स रेज टू पावर माइनस 7 या फिर 12a एक्स 13 6b एक्स माइनस 7. राइट तो यहाँ से 6 और ये कट गया. तो 2a x 13 इज इक्वल टू b x माइनस 7. 2a बाई b इज इक्वल टू x की वैल्यू माइनस 7 बाई x की वैल्यू माइनस 13. सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x की वैल्यू कितनी? 6. तो x की वैल्यू क्या जाएगी? 2a बाई b रेज टू पावर 1/6. सही है. पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इक्विलिब्रियम में? अगर यू देगा वहां से एफ निकाल के इक्वल टू जीरो. इक्विलिब्रियम के बने इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो, तभी एक्स आएगा ना. तो आज के बाद इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना समझ में आ रहा है? मतलब ठीक है यहां तक. यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इसमें, ठीक इसको सॉल्व. नेक्स्ट प्रॉब्लम में सपोज करो एक क्वेश्चन है जिसमें मान लो एक पेंडुलम है. इस पेंडुलम में मैंने इसके बॉटम पे वेलोसिटी क्या दी? u. और काफ़ी ज़्यादा दी, इतनी ज़्यादा दी कि ये सर्कल में घूम सकता है, मतलब ऐसे वापस नहीं आया, ये और भी ऊपर जा रहा है. हाँ वर्टिकल सर्कल है, चलो मान लो वर्टिकल सर्कल घूम रहा है ऐसे. सही.
तो यहां पे इसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी, कुछ भी पता नहीं कितनी, वो आप खुद निकाल लेना, कुछ तो होएगी सच दैट ये लेंथ क्या है एल, ठीक। यहां पे वेलोसिटी यू है, यहां पे वेलोसिटी अब निकाल देना, आपको इसमें निकालना है व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यू से लेके नई वेलोसिटी है तो उसमें चेंज इन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी क्या होगी ये निकाल दो। तो एक काम करो, पहले तुम वी तो निकालो, तुम यहाँ पे वेलोसिटी तो निकालो क्या होगी पहले, तब चेंज निकालना। वी कैसे निकलेगा, बाय एनर्जी कंजर्वेशन। और बहुत बढ़िया एग्जांपल मैंने व्हाट्सएप पे सेंड भी किया था आपको, एक वो प्रोफेसर का जो एनर्जी कंजर्वेशन बहुत सही तरीके से समझाता है प्रैक्टिकली। मैं नहीं सिखाऊंगा भाई, पता लगे यार मेरे दांत दूँ टूट गए फिर मैं क्या फायदा पढ़ाऊंगा कैसे, तो मैं नहीं, वैसे तो मुझे पता है बॉल वापस नहीं आएगी, बट यार पता कुछ नहीं लगता, अगर झटका ज़्यादा लग गया कुछ दिक्कत हो गई तो ठीक। पर वो समझ में आ गया वो क्या था एग्जाम्पल एनर्जी कंजर्वेशन का, बॉल उससे ऊपर आ ही नहीं सकती क्योंकि जहाँ से गई वहाँ से उसे एक्सीड कैसे करेगी, तो इसलिए सेफ है वो बंदा ठीक। बट दम चाहिए इतने बड़े उसके साथ करने का। तो अभी क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल एंड काइनेटिक, यहाँ पे पोटेंशियल एंड काइनेटिक का सम इक्वल करेंगे, तो देखें पोटेंशियल यहाँ पर क्या है जीरो, काइनेटिक क्या है हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल यहाँ पर क्या है एम जी एल और काइनेटिक क्या है हाफ एम वी स्क्वायर। इक्वेट कर दें, एम जी एल प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, एम एम एंड एम कैंसिल, तो हाफ वी स्क्वायर यू स्क्वायर बाई टू माइनस जी एल, एलसीएम ले लेते हैं तो यू स्क्वायर माइनस टू जी एल, तो वी स्क्वायर की वैल्यू से ये आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, वी आ गया। थोड़ा तेज लिखना होगा, पेपर कंप्लीट नहीं होगा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपका। ठीक है बोलो डेल्टा वी क्या होगा। ओके डेल्टा वी कितने लोग कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू, कितने लोग कहते हैं, आंसर इज अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर टू जी एल माइनस यू, हाँ या ना। डेल्टा वी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, हाँ या ना। अच्छा कितने लोग कहते हैं पक्का गलत है, पक्का ही गलत है ठीक है, कितने लोग कहते हैं पक्का ठीक है, ठीक लग रहे हैं। गलत वालों को गलत क्यों लग रही है, डायरेक्शन तो ली नहीं, आप सीधा कब से माइनस करने लगे वेलोसिटीज को, माइनस तो हो ही नहीं सकती। डेल्टा वी वेक्टर में जाओ, वी टू वेक्टर माइनस वी वन वेक्टर का मॉड अंडर रूट ऑफ वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू कॉस थीटा, वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा, सीधे माइनस मत करने लग जाना। तो इसमें ये लगेगा डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, मैग्नीट्यूड पे काम तो कर रहे हैं पर पहले वेक्टर से सॉल्व करके मॉड निकालेंगे ना, डायरेक्शन निकालेंगे, बस ये मतलब है इसका। मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब फॉर्मूला थोड़ा पैलोग्राम का लगाना बंद कर देना है सर, वेलोसिटी द वेक्टर, वेलोसिटी द वेक्टर क्वांटिटी, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा जो तुम कह रहे हो। तो आप ये इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वी है, इनिशियल यू फाइनल वी, तो आप लगाएंगे यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर माइनस टू इंटू यू इंटू वी इंटू कॉस ऑफ 90, 90 क्यों, यू कैसे है इस तरफ, वी कैसे है इस तरफ, एंगल दोनों के बीच में क्या है 90, तो ये टर्म क्या हो जाएगी जीरो। अब तुम यहां पर वैल्यू पुट करते रहना, यहां पे अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर वी स्क्वायर ये रहा यू स्क्वायर माइनस टू जी एल, तो आंसर आएगा टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एल इज आंसर, ये आएगा आंसर। तो सीधा मत माइनस करना, उलझा लेगा आपको वो, डेल्टा वी का मॉड में कभी सीधा नहीं, वेक्टर को याद करना, वेक्टर से आंसर आएगा। समझ में आ रहा है यहां तक,
हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो एक क्वेश्चन को करके दिखाओ। इफ टी इज इक्वल टू, क्वेश्चन है, इफ टी इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस थ्री, फाइंड वर्क डन इन 6 सेकेंड्स। 6 सेकेंड में कितना काम हुआ? मास 1 kg है बॉडी का, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो आपको वर्क डन निकालना है, पहले 6 सेकेंड में कितना हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं भी यही करूँगा। मैक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लूँगा, फिर स्क्वेयरिंग करूँगा पहले, तभी आंसर सॉल्व होगा। लॉजिक क्या लगा रहे हो तो बता दो पहले। चलो एक्स निकाल लिया स्क्वेयरिंग करके, फिर डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, फिर डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन, फिर मास इनटू एक्सेलरेशन से फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन, ऐसा चलो करके देखो। सही है, गलत तो नहीं है, सही कर रहे हो। एक्स से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से फोर्स। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर कॉन्स्टेंट आ गई फिर तो बिना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व होगा, पर एक्सेलरेशन में अगर टी आ गया फिर इंटीग्रेशन लगानी पड़ेगी क्योंकि वेरिएबल फोर्स हो जाएगी। चलो तुम ए तो निकालो पहले कैलकुलस लगा के। तो पहले तुम इसमें रूट एक्स एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, फिर एक्स को क्या पुट करेंगे, टी माइनस थ्री का स्क्वायर, या फिर टी स्क्वायर प्लस नाइन माइनस 60। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो वेलोसिटी आएगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डी एक्स बाई डी टी, मतलब डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 2t माइनस 6। सही है, आंसर आ गया, आया कितना 18। चलो मैं भी चेक करता हूँ। ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है, चलो मैं इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ, मैं लगाता ही नहीं एफ इन टू एक्स। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ इन टू मास इन टू। देखो फाइनल वेलोसिटी इसमें क्या होगी, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी आएगी जो कि क्या आएगी, -6, और टाइम t इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी, +6। अबे सामने ही है, मैंने इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकाल ली 0 और 6 सेकंड पे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में क्या पुट करेंगे, 6 का स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में क्या पुट करेंगे, -6 का स्क्वायर। वर्क डन क्या आएगा, 0। आंसर 0 है इसका। मेरे सामने ही है। आपको जब भी काइनेमेटिक्स टाइप क्वेश्चन गिवन हो एक्स, उससे डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल के वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाना,
उसमें गड़बड़ हो सकती है एफ इंटू एम ए में, क्योंकि इसमें बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स वो टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर है। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, जीरो सेकेंड पे एक्स जीरो नहीं है वहाँ पर, नाइन है, और एट टाइम टी इज इक्वल टू सिक्स सेकेंड, सिक्स माइनस थ्री सिक्स, तो भी नाइन है। चेक कर लो एक्स चेंज कहाँ हो रहा है, चेक कर लो टी इज इक्वल टू जीरो पे, चेक कर लो टी इज इक्वल टू छः सेकेंड पे, चेक कर लो एक्स, तो देखो क्या आ रहा है आपका, है ना कमाल का क्वेश्चन। तो मैं तो कह ही रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आई, मैं तो कह ही रहा हूँ जीरो है, तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं थी, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, आप चेक कर लो भाई। तुमने क्या किया मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ तुमने क्या किया, तुम्हारा आंसर गलत क्यों आ रहा है, तुम गलत भी नहीं हो, तुम्हें आदत पड़ी हुई है वैसे करने की। तुमने डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पता है क्या किया, यहाँ पे टाइम को 6 पुट कर दिया, और तुमने 6 में से 3 गया, 3 आ गया, 3 का स्क्वायर तुमने 9 कर दिया। सबने यही किया, मैं भी यही करता, पर लेकिन देखो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होती तो ये मेथड ठीक था, पर तुम यहाँ देखो तो सही, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्स जीरो है ही नहीं, एक्स तो 9 आ रहा है और 6 सेकेंड पर भी 9 आ रहा है, तो 0 से 6 सेकेंड दोनों टाइम पुट करके देखने चाहिए। जब दोनों टाइम पुट कर रहे हैं आपके सामने नेट डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, वर्कडन कहाँ से आएगा। चलो ठीक है, मतलब जिसने क्वेश्चन बनाया बड़ा समझदारी से क्वेश्चन बनाया, उसे फंसा ही दिया। हर क्वेश्चन में ये, हर क्वेश्चन के अंदर शायद ना चले, इसमें तो बहुत सही क्वेश्चन है, हर तरफ से करके देखो पता लग रहा है कि क्वेश्चन में क्या खास बात है। और वर्क लॉजिक थ्योरम कभी मार पड़ ही सकती इसमें, तो वो कहता है क्यों वर्क थ्योरम पाथ फॉलो कहाँ कर रही है, वो कहता है भाड़ में गए जहाँ मर्जी पाथ से आओ, इनिशियल फाइनल बताओ बात ही खत्म, आंसर ले जाओ, सही है ना, इनिशियल निकालो फाइनल निकालो वेलोसिटी काम खत्म। तो इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम ज़्यादा सक्सेसफुल है। ठीक है यहाँ तक, ये वाला इनिशियल वेलोसिटी कब आएगी जब टाइम जीरो है, तो वी यहाँ टाइम को जीरो पुट कर लो वी में, यहाँ पे तो माइनस छः, 6 सेकेंड पुट कर लो प्लस 6 वी स्क्वायर, वी स्क्वायर। अगर ये नहीं करना तो एक्स एक्स ही निकाल लो, एक्स कौन सा आ रहा है, आंसर आ गया। ठीक है, जैसे सपोज आपको ये एक बॉडी गिवन है सच दैट ये कुछ ऐसे है, और मैंने रोटेट करके इसको ऐसे कर दिया, कुछ ऐसे कर दिया, ये लो, तो ये बी, ये ए और ये बी, ये बॉडी ऐसे ग्राउंड पे पड़ी थी, मैंने चेंज करके ऐसे कर दी, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है भाई, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है, मैंने वर्क डन किया होगा, चलो ऐसे, चलो मेरा वर्क डन निकाल दो, मैंने कितना वर्क डन किया, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल, भाई घुमा के रख दिया ना, पहले ऐसे पड़ी थी अब ऐसे रख दिया। ये बताओ कि इसका अगर मास एम है सिस्टम का, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी इंटू ए बाई टू, क्योंकि मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम कहां पर लेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास पे, तो इसकी हाइट क्या है ए बाई टू, तो क्या आएगी इनिशियल एनर्जी आएगी एम जी इंटू ए बाई टू, अब फाइनल क्या आएगी, तो ये हाइट क्या हो जाएगी बी बाई टू, तो मास यहां पर पड़ा होगा तो एम जी इंटू बी बाई टू, दिस डिफरेंस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग दिस स्लैब। समझ में आ रहा है कैसे लॉजिक लगाना है इसमें, तो जब हाइट एच गिवन है तो एच बाई टू ले लेनी है, बी गिवन है बी बाई टू ले लेनी है, तो समझ में आ रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है यहाँ तक,